हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। साइंस मॉडल पेपर 5 के अंतर्गत बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 9 है, पित्त रस का निर्माण होता है अग्न्याशय, वृषण, यकृत, पित्ताशय। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, सी वाला सही होगा। बता दें कि यकृत अथवा लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी यकृत को लीवर कहते हैं अंग्रेजी में। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है। फिर अगला प्रश्न है, जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है वह है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अन्य जो ऑप्शन में दिए गए हैं विटामिन्स, इनकी कमी से होने वाले रोगों को आपको बता देते हैं। तो जो विटामिन बी है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अथवा सूखा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, फिनोमोन, जिब्रेलिन, हेवरिन, इंसुलिन। तो इनमें से पादप हार्मोन बताना है। ऑप्शन सही है बावाला, जिब्रेलिन। तो पादप हार्मोन जिब्रेलिन है। इसके अलावा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि पादप हार्मोन भी होते हैं। यदि आप लोगों को पादप हार्मोन्स पर फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाया हुआ है। अलग अलग पादप हार्मोन्स के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे और एक में भी सारे पादप हार्मोन्स आपको मिल जाएंगे, आप जो चाहें वो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं से, मांसाहारियों से, उत्पादकों से, अवघटकों से। तो आंसर सही होगा इसमें सी, उत्पादकों से। उत्पादक हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधों से ही खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, या उत्पादकों से ही खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। फिर 10 नंबर में पहला नंबर है, यानी 10 में का वाला है, मनुष्य की दो पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए। मनुष्य की दो पाचक ग्रंथियों के नाम लिखना है। तो दो पाचक ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय हो जाएंगी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जल्दी से बता देते हैं। मनुष्य की दो पाचक ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय, अंग्रेजी में इन्हें लीवर और पेनक्रियास कहा जाता है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिससे पित्त रस स्रावित होता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है और भोजन की वसा का इमल्सीकरण करके पाचन को आसान बनाता है, सरल बनाता है। और दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्न्याशय या पेनक्रियास, तो आमाशय में या स्टमक के पीछे स्थित एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इससे अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। इस रस में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। फिर 10 नंबर का खा नंबर प्रश्न है, खुले तथा बंद रक्त परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए पहले खुले रक्त परिसंचरण तंत्र को समझ लेते हैं, अर्थात ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जान लेते हैं। इसमें रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, रक्त देह गुहा में भरा रहता है, हीमोसील पृष्ठ तथा अधर डायफ्राम द्वारा पात्रों में बढ़ जाती है। आंत्रांग जो होते हैं सीधे रक्त के संपर्क में रहते हैं, जैसे काकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा आदि हैं। तो कुल मिलाकर के खुले रक्त परिसंचरण में रक्त नसों में नहीं बहता है, बल्कि सीधे देह गुहा में भरा रहता है, जो आंतरिक अंग सीधे उसी ब्लड या रक्त के संपर्क में रहते हैं। चलिए अब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को समझ लेते हैं, अर्थात क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जान लेते हैं। तो इसमें रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, यानी रक्त धमनी और सिराओं के अंदर बहता है। रक्त केशिकाओं द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, अर्थात बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि रक्त नसों में, यानी धमनी और सिराओं में, रक्त नसों के अंदर बहता है। जैसे उदाहरण के रूप में केचुआ है, मछली, मेंढक, कबूतर, मनुष्य आदि में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन जंतुओं में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। यानी इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है और कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन का निर्माण शरीर में अग्न्याशय की लैगरहैंस की दीपिकाओं में होता है। जो अग्न्याशय होता है, जो पेनक्रियास होता है, उसमें लैगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं।
उसी के अंदर होता है। तो इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो जाती है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद फिर 11 नंबर प्रश्न का पहला है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, एक संकर संकरण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये वीडियो मेरे चैनल में फुल अपलोडेड है, आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लिंक से भी देख सकते हैं। फिर अथवा में गंगा सफाई योजना का वर्णन कीजिए। तो अथवा वाला देख लेते हैं, गंगा सफाई योजना का वर्णन आपको बता देते हैं। तो गंगा सफाई योजना जीवनदायिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यह योजना बनाई गई है, यानी 1985 में प्रारंभ की गई। करोड़ों की यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ हुई है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा तय करती है। इसके किनारे स्थित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों का औद्योगिक कचरा इसी में मिलता है, यानी इतने सारे 100 से अधिक जो नगर हैं वो सारा जो कचरा होता है वो इसी में आकर के मिलता है। इसके फलस्वरूप इसका स्वरूप नाले के समान हो गया है, यानी इसमें गंदगी भर गई है, काला सा पानी हो गया है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रचुर मात्रा में अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट्स होते हैं, वहित मल यानी सीवेज जो होता है, मृत शवों का प्रवाह, जो लोग मर जाते हैं उनको बहा दिया जाता है, मृत व्यक्तियों की राख भी इसमें बहा दी जाती है, प्रवाहित कर दी जाती है। इसके कारण इसका जल विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। विषाक्त जल के कारण अत्यधिक संख्या में मछलियां और जल में पाए जाने वाले जलीय जीव मर रहे हैं। तो कोलिफॉर्म जीवाणु एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। गंगा जल में इसकी उपस्थिति में जल प्रदूषण का स्तर प्रदर्शित करता है। गंगा सफाई योजना गंगा नदी और इसके जल को संदूषित होने से बचाने के लिए प्रारंभ की गई है, यानी कुल मिलाकर के गंगा सफाई योजना जो है गंगा के जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए शुरू की गई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। और फिर इसके बाद है 11 का ख नंबर, तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो मेरे चैनल में इसका वीडियो अपलोडेड है, चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको संरचना इसकी बनानी है। और कोशिकाओं के बारे में कैसे आप जानेंगे, तो मेरे चैनल से वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख लेंगे। फिर अथवा में लगा हुआ है कि पौधों में जल का अवशोषण क्रिया का वर्णन कीजिए, तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न में आते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा वर्णन कीजिए कि श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।